Hello children, welcome to ASA Education. Aaj hum karenge chapter on the trail of the earliest people. History book, grade 6 se. Is chapter ki shuruaat mein hum ye baat discuss kar rahe hain ki jo pehle zamane ke log the, wo hamesha itna ghoomte phirte kyun the? Aap bhi jante hain ki jo hamara subcontinent hai, isme log jo hain lagbhag 2 lakh saal pehle se exist kar rahe hain. Unko ab hum naam dete hain hunter gatherers ka. Ye naam unko kyun diya gaya? वजह यह है कि जिस तरह से वो घूम घूम के अपना खाना इकट्ठा करते थे उनको जो है हंटर गैदरर्स नाम दिया गया, क्योंकि अपने खाने के लिए अब जैसे उनको जंगली शिकार जो जानवर होते हैं उनका शिकार करना पड़ता था, मछली है, चिड़िया है, ये पकड़नी पड़ती थी, जगह जगह से खाना इकट्ठा करना है तो पेड़ों के फल है, उनकी जड़ें हो गई, बीज हो गए, उनके जो नट्स होते हैं वो हो गए, पत्तियां हो गई, डंठल हो गए, अंडे हो गए, ये सब चीजें वो इकट्ठा करते थे घूम घूम के, इसलिए उनको नाम दे दिया गया हंटर गैदरर्स का। हमारी जो ट्रॉपिकल लैंड है इसमें जो है बहुत वैरायटी है पेड़ की, लेकिन अब जो भी पेड़ की पैदावार है वो जो है खास तौर से खाने के लिए बहुत मुख्य जरिया थी जो पहले जमाने के लोग थे उनके लिए। आपको क्या लगता है ये चीजें उनके लिए बहुत आसान थी कि बहुत आसानी से उन चीजों को इकट्ठा कर लेते थे? नहीं। अब अगर जानवर के शिकार की बात करें तो बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत तेज दौड़ते हैं, हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो अगर आपको इस तरह के जानवर को पकड़ना है, मछली पकड़नी है या चिड़िया को मारना है, तो आपको भी तो बहुत ज्यादा चौकन्ना होना जरूरी है, बहुत फुर्तीला होना चाहिए, साथ ही साथ आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल फोकस होना चाहिए। अगर आप पेड़ों को इकट्ठा करते हैं अपने खाने के लिए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो पेड़ है इसमें कौन सा पेड़ है, उसका कौन सा पार्ट है जो खाया जाता है। भाई बहुत सारे पेड़ होते हैं, हर तरह के पेड़ों के बीच में कोई जहरीला पेड़ भी हो सकता है, तो इस बात को पहचानना कि कौन सा पेड़ का कौन सा चीज है जो हम खा सकते हैं ये भी बहुत जरूरी थी। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि किस मौसम में कौन सा फल पकता है, तो ये सब चीजें जो है उनको धीरे धीरे रहते रहते समझ में आनी शुरू हुई थी। कहने को हम आपको चार रीजन ऐसे बता सकते हैं कि ये जो हंटर गैदरर्स होते थे ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि अगर वो एक जगह बहुत लंबे समय तक रुक गए तो क्या होगा, वहां पर जितनी भी चीजें अवेलेबल होंगी, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हो, वो एक समय आएगा जब खत्म हो जाएगी। आप जानवरों का शिकार कर रहे हो तो एक टाइम आएगा ना जब जानवर भी खत्म हो जाएंगे उस इलाके के, या आप पेड़ों के फल पत्तियां खाने लग जाओगे तो कहीं से एक समय होगा जब पेड़ों पे ना फल होंगे ना आपके पास कुछ ऐसा बचेगा जिसको आप खा सको, तो अब आपको खाने के लिए क्या करना होगा, दूसरी जगह जाना होगा ताकि वहां से आप चीजों को अपने खाने के लिए ढूंढ सको। तो पहला कारण यही था कि वो लोग जो है अगर एक जगह पे बहुत लंबे समय तक रुक जाते थे तो वहां से जो उनकी रिसोर्सेज थे वो खत्म होने लगते थे, इसलिए उनको फिर दूसरी जगह जाकर खाना ढूंढना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था, अब जैसे इंसान है वो अपनी चीजों को खाने के लिए ढूंढ रहा है, वैसे ही जानवर भी होते हैं। अब जानवर भी कोई एक जगह तो बैठा नहीं रहता कि उसके पास आएगा शिकार और वो उसे मार के खा लेगा, जानवर भी इधर उधर घूमते हैं। तो ये जो जानवर है अब इनको चाहे छोटा सा जानवर मारना हो या हिरन मारना हो या कोई जंगली गाय भैंस मारनी हो, इवन जो वेजिटेरियंस होते हैं उसमें क्या कहते हैं उनको वो खानी हो, हर्बीवोरस जो होते हैं घास पत्ती खाने वाले, वो जो है क्या कहते हैं पेड़ पौधों की तलाश में या और जानवर की तलाश में आगे निकल जाते, तो अब जो उन जानवरों का शिकार करेगा उनको उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा कि वो जिस इलाके में होंगे, इस वजह से वो लोग और घूमते थे। ये हो गया दूसरा कारण। अब तीसरा कारण क्या है कि जो पेड़ और पौधे वगैरह होते हैं उनपे जो फल लगते हैं वो अलग अलग मौसम में लगते हैं, तो लोगों को अब एक मौसम से दूसरे मौसम अलग अलग पेड़ों के फलों को इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ता था, भाई किस मौसम में कहीं फल लगते हैं, किस मौसम में किसी पेड़ पे फल लगते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर उन चीजों को इकट्ठा करते थे। चौथा और जो आखिरी कारण बताया गया है कि चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सबको पानी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। अब ये जो पानी है ये कहाँ मिलता है, नदियों में मिलेगा, झरनों में मिलेगा, तालाबों में मिलेगा,
बहुत सारी नदियां ऐसी होती हैं, बहुत सारे तालाब ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे साल भर उनमें पानी रहता है, पर उनका क्या कि जो मौसमी होते हैं, मतलब सीजन में, किसी सीजन में वो सूख जाते हैं, किसी सीजन में वो जम जाते हैं। अब जैसे जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं, अब अगर गर्मियां आई और उनकी नदी सूख गई उधर की, तो उनके पास पानी कहाँ से आएगा? या अगर सर्दियां हैं, नदी जम गई, तो वो पानी कहाँ से लेंगे? तो ऐसे में वो जो है दूसरी दूसरी जगह जा जाके, जहां पानी होता था वहां जो है वो जाकर रहते थे। एक और कारण भी हम कह सकते हैं, है यही कारण, लेकिन जैसे कुछ इलाकों में कुछ लोग रहते हैं, कुछ इलाकों में कुछ लोग रहते हैं, तो एक दूसरे से मिलने जाना, चाहे वो उनके रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, उनसे मिलने जाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। उस समय कोई साधन तो होते नहीं थे, तो जनरली जो लोग सफर करते थे वो पैदल ही करते थे। अब दूसरा सवाल आता है कि हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते थे। जो पुरातत्व विभाग वाले हैं, यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उनको हंटर गैदरर्स की चीजें मिली हैं जो वो बनाते होंगे या इस्तेमाल करते होंगे। अब ज्यादातर वो जो औजार बनाते होंगे वो पत्थरों के, लकड़ी के, या जो जानवरों की हड्डियां हैं उनसे बनाते होंगे, जिसमें जो पत्थरों से बने औजार हैं वो सबसे ज्यादा उनके रिमेन्स मिले हैं। कुछ जो पत्थर के औजार होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता होगा मीट काटने में, या जो हड्डी है उसको काटने में, इवन जो पेड़ की छाल है या जो एनिमल की स्किन है उसको निकालने के लिए भी क्या कहते हैं, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। फल काटना है या जो जड़ें काटती हैं इसके लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ ऐसे थे जो बोन या जो लकड़ी होती है उसके हैंडल की तरह काम करते थे, मतलब उनसे जुड़े हुए थे ताकि फावड़ा बना सके या तीर बना सके शिकार करने के लिए। बहुत से और भी टूल्स थे जो लकड़ी काटने के लिए यूज करे जाते थे, फिर उस लकड़ी का इस्तेमाल जो है ईंधन के लिए यूज किया जाता था। लकड़ी का इस्तेमाल वो लोग जो है झोपड़ी बनाने के लिए भी करते थे और औजार बनाने के लिए भी। तो ये कारण था कि पता कैसे चला, इन पुरातत्व विभाग वालों की मदद से। अब फिर अगला क्वेश्चन आता है कि वो जो है कैसे डिसाइड करते थे कि हमें कौन सी जगह पे रहना है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ऐसे प्रूफ मिले हैं जहां पर ये हंटर गैदरर्स रहते होंगे। बहुत सारी जगहों पे वो रहते थे, बहुत सारी साइट्स ऐसी मिली हैं जो नदी किनारे हैं या तालाब के किनारे हैं, मतलब जहां पर पानी का जरिया होता था ये लोग ज्यादातर वहां रहना पसंद करते थे। अब क्योंकि जो पत्थर के औजार होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लोग जो है ऐसी जगहों को ढूंढने की कोशिश करते थे जहां पर अच्छी तरीके का जो पत्थर होता है, अच्छी क्वालिटी का जो पत्थर होता है वो आसानी से मिल सके। जहां पर भी इस तरह के पत्थर पाए गए हैं या उन जगहों पे जहां से लोगों ने पत्थरों के औजार बनाए हैं उनको फैक्ट्री साइट्स का नाम दिया गया है। अब ये बात जानने की होती है कि कैसे पता चलेगा कि वो फैक्ट्रीज कहाँ पे हैं। तो जो ये आर्कियोलॉजिस्ट वाले हैं उनको स्टोन्स के ब्लॉक्स मिले हैं, औजार मिले हैं जो शायद बनाए गए थे या छोड़ दिए गए होंगे। हो सकता है अच्छे नहीं बने तो उन्होंने वहीं छोड़ दिए, या जैसे जो पत्थर की पतली पतली चिप्पियां काट लेते हैं वो जो है उन्होंने पीछे छोड़ दी उन साइड्स पे। उससे पता चला कि ये लोग जो है यहाँ पर पत्थरों के औजार बनाते थे। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत लंबे समय के लिए उस जगह रुक जाते थे, तो वो जो साइट थी वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहलाती थी, मतलब वहां पर वो लोग रह भी रहे हैं और इस तरह से पत्थरों से औजार बनाने का भी काम करते हैं। आपके मन में एक फिर सवाल आ रहा होगा कि हम बार बार साइट बोल रहे हैं, साइट का मतलब क्या होता है? तो साइट जो है वो जगह होती है जहां हमें चीजों के अवशेष मिलते हैं, जैसे औजार है, बर्तन है, बिल्डिंग्स है, ये जो वहां जहां मिलते हैं उनको हम साइट कहते हैं। ये उस जमाने में जो लोग रहते होंगे उनके द्वारा बनाई गई, इस्तेमाल की गई और छोड़ी गई जगह है। ये धरती की सतह पे भी मिल सकते हैं, या धरती के नीचे भी दबे हुए हो सकते हैं, या इवन पानी के नीचे भी हो सकते हैं। स्टोन जो टूल्स होते थे, यानी जो पत्थरों के औजार होते थे, उनको बनाते कहते थे। अब यहाँ पर दो तरीके बताए गए जिस तरह से उन्होंने पत्थर के औजार बनाए गए। पहला है पत्थर के ऊपर पत्थर, यानी आपने एक हाथ में एक पत्थर पकड़ लिया, दूसरे हाथ में एक और पत्थर पकड़ लिया। अब जो एक हाथ का पत्थर है वो आपके लिए एक तरह से हैमर का काम कर रहा है,
और दूसरे पत्थर को आप उसके ऊपर मार मार के तब तक उसको तोड़ रहे हो, जिसकी चिप्पियां निकाल रहे हो, जब तक जैसी आप शेप चाहते हो वो मिल नहीं जाती। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा होता था कि जोर से मार के उस चीज को तोड़ना। जैसे कि अगर आप एक बड़ा सा पत्थर लेके एक स्थिर जगह पे रख देते हो, मतलब एक हार्ड सरफेस पे रख देते हो, अब जिस पत्थर को आप हैमर की तरह यूज कर रहे हो उसे आइदर वो जो बोन है या जो स्टोन है उसके ऊपर रखा जाता था, ताकि जो और चिप्पियां हैं उनको निकाल दिया जा सके और उस पर्टिकुलर शेप जो स्टोन है उसको एक शेप में, या जो बोन है उसको एक शेप में ढाला जा सके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कि उनको आग के बारे में कैसे पता चला, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में।